हेलो स्टूडेंट्स, हूँ इस आर्टिकल दे विचकार असी कुछ नवी प्रॉपर्टी सीखांगे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से बारे इन द पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक पोटेंशियल असी ऑलरेडी सीख चुके हैं बाय क्रोनिंग एंड पेनी मॉडल्स दे थ्रू कि हर एक क्रिस्टल दे विचकार पीरियोडिक डिस्टेंस तो बाद कहो या पीरियोडिकली पोटेंशियल अप्लाई होंदा है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन दे ऊपर व्हेन इट मूव्स और पासेस थ्रू द क्रिस्टल्स। ओके, हुन इसी दे अकॉर्डिंग असी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज नु स्टडी करांगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल दे आर्टिकल दे विच। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द क्रिस्टल मोमेंटम। देखो जदों तक असी सिंपल मोमेंटम की गल करते हैं तो सानू सारे दे माइंड च एक चीज आती है पी, दैट इज पी इक्वल टू एम इन टू वी विच इज द लीनियर मोमेंटम। पर एक्चुअल दे विचकार जदों एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल दे अंदरों मूव करता है तो उसके उपर वेरियस फोर्सिस अप्लाई होती है। पॉजिटिव चार्ज आयन उसनों अपने वाल खिंचता भी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन च रिपल्शन होकर उसनों परे वाल नूं भी धकेलता है। तो जिहड़ा एक्चुअल मोमेंटम हैगा इलेक्ट्रॉन का अक्रॉस द क्रिस्टल दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू मोमेंटम। जे असी ट्रू मोमेंटम की गल करिए असी सिंपल वे नाल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू एच बार के अपॉन टू एम, एच बार के अपॉन टू एम दैट इज इक्वल टू एनर्जी ई, क्योंकि सानू पता है एनर्जी इक्वल टू यस दिस इज बेसिकली द E equals to, sorry, one minute, this is equals to P, this complete factor, upon 2m, yes, okay. ता इत्थो असी लिख सकते हैं कि H bar के दा factor किसे को लोग है, P दे equal, ते 2m अपने को लागे ये वाला factor, जिसे विचकार तो सी सारे ने पढ़ा होएगा कि energy is equals to half mv square, एक एम नाल मल्टीप्लाई करो, एक एम दे नाल इसनों डिवाइड करो, तो असी इसनों लिख सकते हैं पी स्क्वेयर बाय टू एम, यस दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट इज एच बार स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन टू एम, प्लीज मेक इट करेक्ट। तो ये फैक्टर नूं असी लिख सकते हैं पी स्क्वेयर अपॉन टू एम दे नाल। तो असी जे इत्थों तो एनर्जी ते मोमेंटम दा रिलेशन देखिए तो साफ पता लगता है ई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन टू एम। ये कंडीशन उदो वेरीफाई होंगी है जदों असी कहा एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ के वैल्यूज। पर हुण असी सीख के हटे हैं क्रोनिंग एंड पेनी मॉडल दे विचकार एनर्जी इज नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन के वैल्यूज। जदों एनर्जी के वैल्यूज के उपर टोटली डिपेंडेंट नहीं है दैट मीन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये बेसिकली क्या ट्रू मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एज सच सेम नहीं होएगा जिवें असी सिंपल मोमेंटम की गल करते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को उस टाइम के ऊपर असी की बोलते हैं दैट इज क्रिस्टल मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द क्रिस्टल। ओके, हुण जदों असी वेलोसिटी की गल करिए इलेक्ट्रॉन की अक्रॉस द क्रिस्टल तो देखो इलेक्ट्रॉन सानू पता माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी नू कैलकुलेट करन दे लई सानू डुअल नेचर ऑफ मैटर की हैल्प लेनी पएगी। अकॉर्डिंग टू डुअल नेचर ऑफ मैटर वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन और एवरी पार्टिकल इज बेसिकली फॉर्म अ वेव पैकेट। ओके, तो उस वेव पैकेट की वेलोसिटी नू असी की बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, एंड ग्रुप वेलोसिटी इज से वी ऑफ जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। सानू सारे नू पता है ओमेगा ते के दे विच एक रिलेशन है दैट इज ऑफ ग्रुप वेलोसिटी दा डी वी जी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। एंड इफ आई टेक द एनर्जी ई ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज एच बार ओमेगा देन ओमेगा इक्वल्स टू ई अपॉन एच बार, पुट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर, देन ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द क्रिस्टल इज इक्वल टू डी बाय डी के ऑफ एनर्जी ई ओमेगा दैट इज ई अपॉन
h bar. Now energy is not a constant factor, but h bar is a constant factor. That's why I can write 1 upon h bar dE by d of k. तो हूँ इतो तो साढ़े को ग्रुप वेलोसिटी का एक रिलेशन बन के तैयार हो गया 1 अपॉन h bar d by dk of energy E. That mean ग्रुप वेलोसिटी इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन ई के वैल्यूज एनर्जी ते के दे विच जिवें जिवें चेंजेस होएगा उसे नाल असी की कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी. ओके नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज ऑफ इफेक्टिव मास. इतों तो क्वेश्चन पेपर आना ही आना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इवन कंपिटेटिव एग्जाम के लिए भी. इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हूँ असी सारे नु पता है इलेक्ट्रॉन का मास सिंपल मास असी लेके चल रहे हैं 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम. दिस मास इज बेसिकली द फ्री इलेक्ट्रॉन मास. पर जदों एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल दे विच एक पीरियोडिक मोमेंटम दे विच मूव कर रहा था उसका मास इससे बराबर नहीं होएगा उसनों असी की बोलते हैं इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. हुन इफेक्टिव मास नू समझन दे लई इस तरीके नाल समझो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन दा मास असी किस तरीके नाल कैलकुलेट कर सकते हैं. सानू सारे नू पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मकैनिक्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जे असी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए तो उस उपर किन्नी फोर्स लग रही है उसनों कैलकुलेट करिए तो असी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस उपर किन्ना क मास उसका उस टाइम के उपर प्रेजेंट है. कहने का पर्पस है कि जड़ी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसके करके उस किन्नी एक्सेलरेशन आई उसके करके असी डिसाइड करांगे द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट. हूँ इस चीज़ को समझने के लिए या इसको आगे फर्दर सोल्व करने के लिए सानू सब तो इंपोर्टेंट जिहड़ा फैक्टर है वह किसा है एक्सेलरेशन का. हूँ साडे कोल ग्रुप वेलोसिटी आ चुकी है तो इसी ग्रुप वेलोसिटी को असीं की नाम दिता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस ग्रुप वेलोसिटी तो असीं कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू तो उस तो असीं कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. Now, acceleration A is equal to dy dt of velocity of an electron, which is vg, is group velocity. So, this is called dy dt of group velocity, which is equal to 1 upon h bar dE by d of k. And this is equal to 1 upon h bar d2E by d of k square. डबल डिफरेंशिएशन हो गया इस फैक्टर का. ओके सॉरी दिस इज रॉन्ग. इस फैक्टर में लिखेंगे 1 अपॉन एच बार डी टू ई बाय डी ऑफ के इनटू डी ऑफ टी दैट इज डी के एंड डी टी से दिस इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए. इसनों होर वधिया प्रोमिनेंट फैक्टर दे विच लिखन दे लई असी जस्ट एक दे विच मैथमेटिकल टूल दी हेल्प लेवांगे दैट इज ग्रुप वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एच बार डी टू ई अपॉन डी ऑफ के इनटू डी ऑफ टी इफ आई मल्टीप्लाई बाय डी के एंड डिवाइडेड बाय डी के देन दिस कंप्लीट फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एच बार डी टू ई बाय डी के डी के दैट इज डी के स्क्वायर इनटू डी के divided by dt. ओके तो इसनों असी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए. हूँ ध्यान देखो जे असी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो सानू की चाहिएगा डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ई वर्सिस के दैट मीन ई के वैल्यूज जिस विच साडे कोल रिलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यह फैक्टर असी ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज वी कैन ईजीली कैलकुलेट this factor d2 by d of k square but dk by dt cannot be calculated easily ta is factor nu calculate karan de layi dk by dt nu calculate karan de layi assi ik navi cheez di help levange. Now let us suppose to calculate
the factor of dk by dt. Okay, इस factor को calculate करने के लिए ऐसे आगे treatment use करें. Let us suppose an electron E which is accelerated by a electric field. Meaning की है कि इस electron के ऊपर मैं की apply कर रहा हूँ एक electric field E. इलेक्ट्रिक फील्ड ओके से दैट इज इक्वल टू ई. इस दे विच देखो असि एनर्जी का फैक्टर भी ई लेके चल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर अपने कोल की होगा ई तो इसमें थोड़ा जा चेंज करने के लिए असं की लगा देने इसमें ई डैश दैट मीन इलेक्ट्रॉन के उपर जो ई डैश अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो इसने की करना है एक्सलरेट ये सानू सारे नू पता है तो इसके ऊपर जी फोर्स लगनी है उसकी वैल्यू असं कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज ये पता है सबनों तो इतों तो असं कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स एफ विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय ई डैश that is charge of an electron that is E into E dash ते जे तुहाडे कोल फोर्स की वैल्यू आ चुकी है तो तुसी कैलकुलेट कर सकते हो वर्क डन दैट इज वर्क डन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू द फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट बेसिक फॉर्मूला से अप्लाई किया है हुन जिहड़ा अपने कोल फोर्स है वह किसे कोल आ रही है दैट इज ई इंटू ई डैश where E is the charge of an electron. उन question आंदा है कि किन्ना amount दा displacement इस electron ने cover किता जदो इसे ऊपर electric field apply की गई जे हुन इस दे displacement नू calculate करन दे लई मैं velocity of electron दा formula लिखा that is group velocity Vg will be equals to yes that is ग्रुप वेलोसिटी